वेलकम गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो वेलकम मैं आपका मेरे को और एक नए वीडियो के अंदर। तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाली है। तो मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि स्क्वाड में कैसे रैंक पुश किया जाता है गाइस। तो गाइस मैंने देखा है कि बहुत बंदे को इतना प्रॉब्लम होता है ना कि इसको लास्ट तक सर्वाइव मार ही नहीं पाते हैं स्क्वाड में। तो आप सभी को पता चलेगा स्क्वाड में कैसे सर्वाइव मारते हैं लास्ट जोन तक, और आपका टीममेट मर जाए आप अकेले बचे हो तो कैसे रिवाइव डालते हैं, ये भी आप सभी को देखने को मिलेगा। और आप सभी कैसे लूट करके बंदे की तरफ रश कर सकते हैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर पूरा सीखने को मिलेगा। तो बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो गाइस आप सभी लॉबी देख ही सकते हो कितनी हार्ड आई है, फिर भी मैं आप सभी को भुजा लेके दिखाऊंगा और आप सभी को पता चलेगा कि ग्रैंड मास्टर के स्क्वाड के बंदे खेलते कैसे हैं। और गाइस अब बात करते हैं अपनी लैंडिंग के बारे में। तो गाइस हमेशा हम तीन ही बंदे लूट जोन जाते हैं, एक बंदा कहीं और उतरता है क्योंकि तीन बंदे हम लोग मर जाते हैं तो एक बंदा रिवाइव डाल देता है। यही तीन बंदे में से एक बंदा जो कहीं अलग उतरता है वो मर जाता है तो हम रिवाइव डाल देते हैं। तो हम लोग इसी तरह खेलते हैं कि मतलब कोई मरे तो कोई रिवाइव हो जाए। तो फाइनल चलते हैं लूट जोन और हम तीन ही बंदे जा रहे हैं, आप सभी देख सकते हो। एक हम लोग का टीममेट कहीं और जा रहा है क्योंकि मरेगा हम लोग मरेंगे चाहे वो मरेगा तो इजीली रिवाइव कर सकें। आप सभी को ये कभी ऐसी गलती नहीं करनी है कि चार के चार बंदे लूट जोन जा रहे हो तो चार के चार बंदे कभी लूट जोन आना मत सभी साथी में, क्योंकि इतना प्रॉब्लम होगा कि आप सभी मर जाओगे चार के चार बंदे, तो लूट जोन में भागने में बहुत प्रॉब्लम भी होता है। तो बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चार के चार बंदे कभी लूट जोन में जाना मत, बहुत प्रॉब्लम होगा यदि आप सभी को प्लस करना है। तो ऐसा बहुत होगा कि तीन चार गेम आप सभी का लूट जोन में निकल जाएगा इजीली, पर एक गेम आपका तो माइनस लग ही जाएगा पक्का। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका एक बंदे को बोल देना जो सप्लाई क्रेट ले के खेले, मतलब कहीं और उतर जाए। आप सभी को ये ऐसी गलती कभी नहीं करनी कि आप सभी मतलब पूरा ओपन में उतर जाओ, आप सभी कवर में उतरना ही है। जैसे आप सभी देख ही सकते हो मैं अभी उतरा था ओपन में पूरा तो मैं कैसे मर चुका हूँ, और मेरा टीममेट देख ही सकते हो मतलब पूरा कवर ले कर खेला और अच्छा खासा किल भी निकाल रहा है, देख सकते हो गाइस। इसी बात को मैं आप सभी को बोल रहा था कि आप सभी को एक टीममेट को बोलना है कि कहीं और रहे साथ में मत रहे। देखना गाइस मैं टीममेट अभी दिल के अंदर बैठा था, मैं यहाँ से रिवाइव हो जाऊँगा। मैं आप सभी को यही स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आप सभी को अपने टीममेट को बोलना है कि साथ में मत रहे। तो गाइस चलो रिवाइव होके आते हैं, फिर आप सभी को बताते हैं कैसे रिवाइव होके फिर कैसे खेला जाता है। तो गाइस फाइनली रिवाइव मिल चुका है, मतलब देख सकते हैं अपने बंदे को कहीं और भेजने का क्या फ़ायदा होता है, हम लोग इजीली रिवाइव हो सकते हैं, इससे आप सभी का माइनस लगने का बहुत कम चांस रहता है। चलते हैं नीचे फटाक से लूट करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे आगे। अच्छा सा गन चाहिए। तो गाइस फाइनल लूट कंप्लीट करके हम लोग आ चुके थे, और गाइस आप सभी के पास लूट ना हो ना तो आप सभी को चाबी मिल जाएगी, रेसने की से चाबी खोल लेना। तो आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ पहले ही कि मैं थोड़ा जूम में सर्वाइव मारूंगा और मैं तीन बंदे रश करके खेलेंगे, क्योंकि मेरे को यही करना है, अपने टीममेट को रिवाइव डालना है ये लोग फाइट करेंगे। तो पहले बोल रहा हूँ आप सभी को मतलब ऐसा ही करना है कि आप सभी को अपने टीममेट को 60 टोकन दे देना है, आप सभी रिवाइव इजीली हो जाओ, मतलब ऐसा खेलना कॉम्बिनेशन बना कि आप सभी का माइनस लगने का कम चांस हो। तो हम लोग का किल अच्छा खासा निकल चुका है, मतलब एक किल मेरा हो गया है। मेरे को पता है कि आप सभी ना किल के पीछे इतना मत भागना, क्योंकि लास्ट जोन में अच्छा खासा किल निकल जाता है। जब मतलब लॉबी हार्ड तो आएगी तो आप सभी ग्रैंड मास्टर पुश करेगा, तो ये हमेशा ये केयर करके खेलना ना कि हार्ड लॉबी आएगी, क्योंकि मैं दो महीने से रैंक पुश कर रहा हूँ, एक भी नूब लॉबी नहीं आई है गाइस। तो आप सभी बताना कि आप सभी को नूब लॉबी की वीडियो चाहिए तो मैं लाऊंगा गाइस। तो बात करते हैं गाइस हम लोग का एक टीममेट मर चुका है, देखना गाइस हम लोग क्या इसको गंदा रिवाइव डालेंगे, अभी मरा नहीं है अभी मरेगा, जस्ट आप सभी देखना सामने की तरफ, मतलब दो स्क्वाड थी तो फिर भी हम लोग इधर से सर्वाइव मारेंगे, क्या गंदा वाला देखना आप सभी। जहाँ लग के देखो बोल रहा था डाउन होगा, अभी बंदा डाउन हो गया, एक पूरी स्क्वाड बोल रहा था टीममेट, एक को डाउन किया, मतलब देख रहे हम तीन के तीन बंदे मतलब साथ ही में फाइट कर रहे हैं, पूरा एक हम लोग कवर फायर दे रहे हैं और मेरा टीममेट जा रहा है रिवाइव देने। आप सभी को ऐसे ही खेलना है कि अपने टीममेट पहले मरे तो टीममेट को रिवाइव देने के पीछे जाना है, ये नहीं किल करने के चक्कर में आप भी मर गए फिर आपके टीममेट एक और मर गया तो काम ख़त्म, यही होता है। आप सभी को अपने टीममेट को रिवाइव देना, मतलब पहला प्रायोरिटी ये है कि आप सभी को अपने टीममेट को रिवाइव देना है मरे तो अपना टीममेट। देख सकते हो मेरा टीममेट फाइनल रिवाइव हो चुका है। और गाइस आप सभी कभी भी लूट जोन के अंदर फंस जाओ ना, टोकन हो तो पहले ये जो मिलता है ना सुट्टा क्या बोलते हैं इसको इनहेलर, ये आप सभी को पक्का खरीद लेना है। और देख सकते हैं गाइस मैं इधर टीममेट मर गया, मतलब हम सभी टीममेट के पास टोकन इतना रहता है ना,
कि अपने स्क्वाड को दो बार तो आराम से रिवाइव दे ही देते हैं। अब निकलते हैं गाइस पहले जोन के बाहर। तो गाइस आप सभी देख रहे हैं कि मैं जोन के बाहर कैसे निकलूँगा। तो आप सभी को ऐसे ही कभी जोन में फंस जाते हो तो आप सभी को ऐसे ही जोन से बाहर निकलना है। देख सकते हैं सामने बंदा है जोन में, बहुत डैमेज है। देख सकते हो सोनिया कैरेक्टर ने क्या गंदा वाला काम किया गाइस। अब फाइनली बंदा ख़त्म। गाइस आप सभी मेरे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देख ही सकते हो। आप सभी को यही लगा खेलना है, आप सभी को इससे बहुत अच्छा प्लस मिलेगा और आप सभी को किल करने में काफ़ी आसानी होगी। आप सभी देख सकते हो कितना पेटी कहाँ कहाँ भाग रहा है। क्या अच्छा लूट लिया था, मतलब कभी कभी इतना फ़ायदा हो जाता है कि बंदे को मारोगे तो काफ़ी अच्छा खासा लूट लिया रहता है। तो मैं इधर से इनहेलर खरीद के निकल रहा हूँ। आप सभी ने देखा ही होगा कि जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, मतलब इनहेलर बहुत अच्छा खासा काम करता है। अब निकलते हैं बाहर पहले। आप सभी देख सकते हो जोन काफ़ी दूर है, फिर भी मैं बाहर निकलूँगा और अपने टीममेट को रिवाइव भी दे के निकलूँगा। देखना गाइस अभी मेरे साथ टीममेट मरेंगे और मैं उन लोगों को इतना गंदा रिवाइव दूंगा आप सिर्फ देख के हैरान हो जाओगे। चलो चलते हैं पहले बाहर निकलते हैं। जोन काफ़ी गंदा वाला काट रहा है और मैं देख ही सकते हो HP वाला इतना काम करता है ना कि करेक्टर क्या बताऊँ आप सभी को। देख सकते हो अभी मेरा एक और टीममेट मर गया, इसको रिवाइव डाल के बाहर निकलेंगे। पहले आप सभी को यही करना है कि आपका टीममेट मर जाए तो इसको रिवाइव भी दे के निकलना है बाहर, तो बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि लास्ट जोन में काफ़ी बंदे बचे रहते हैं और आपका टीममेट कहीं भी रिवाइव करेगा तो पक्का मरेगा। तो आप सभी को सेफ जगह कभी भी उतरना है जब आप सभी लैंड करो, तो बंदा इधर जहाँ देखो वहाँ बंदे तो उतरना ही मत। आप सभी को लगे कि मार सकता हूँ अकेला बंदा है तो जाना, कभी स्क्वाड के बीच में जाना मत, नहीं तो पक्का तुम मर जाओगे। पक्का गारंटी लिख के दे रहा हूँ गाइस, आप सभी मर ही सकते हो। देख सकते हो मैं इजीली जोन से बाहर भी आ चुका, मतलब आप सभी देखे होंगे कैसे मैं बाहर आया। आप सभी को बताया होगा टिप्स एंड ट्रिक कैसे बाहर निकलते हैं। और चलते हैं, देख ही सकते हो मेरा टीममेट मर चुका है, फिर मैं इसको जाके भी रिवाइव डालूंगा। तो आप सभी को जस्ट ऐसे ही खेलना है जो मैं खेला, आप सभी को कॉपी पेस्ट करके खेलना है। तो आप सभी को इसे एक्स्ट्रा प्लस भी मिलेगा और आप सभी को रिवाइव, और मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो इसके पास शेषा के पास बंदा है, ये भी डाउन। मैं दो टीममेट डाउन हो गए, फिर भी मैं हूँ ना रिवाइव देने के लिए, इसको मैं आराम से इजीली रिवाइव दे देता हूँ। यही होता है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं थोड़ा जोन में ही रह के खेलूँगा और टोकन मिलेगा तो मैं टीममेट को रिवाइव डालूँगा। तो आप सभी को ऐसे ही खेलना है कि आप सभी अपने टीममेट को बचा सको, नहीं तो क्या प्रो होने का मतलब जब आप सभी टीममेट को बचा ही नहीं पाओगे। देख सकते हो जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, फिर भी 15 बंदे बचे हैं अभी भी। और इधर जोन के अंदर जो वेंडिंग मशीन है, इधर क्या गंदा वाला बंदे फाइट कर रहे हैं, देख ही सकते हो। एक बंदा आया बाहर, डैमेज लगा। पहले बता रहा हूँ गाइस कि मैं अभी रिवाइव देने काम कर रहा हूँ तो मेरा इतना किल नहीं निकल पाएगा, फिर भी मैं किल निकाल के दिखाता हूँ आपसे को कैसे किल निकालते हैं और कवर कैसे मैं टीममेट को अपने दे रहा हूँ, आपसे भी देख ही सकते हो गाइस। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि आप लोग अभी तक बने हो तो अच्छा लग रहा है, तभी तो बने हो, तो लाइक कर दो गाइस। और बहुत अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। एक बंदा है, डैमेज लगा, बंदे काम ख़त्म, पहले ख़त्म करते हैं। और मेरा 2 किल हो चुका है, टॉप 10 हो चुका है। आप सभी ने स्टार्टिंग में देखा ही था, इतनी हॉर्ड लॉबी आई थी, फिर भी हम लोग सर्वाइव मार के दिखा दिए आप सभी को। और टोकन देख सकते हो मेरे पास इतना टोकन है कि मैं अपने टीममेट को एक और बार रिवाइव दे सकता हूँ। ऐसा में तब देख सकते हो क्या बंदा फाइट कर रहा है। आप सभी को मतलब वेंडिंग मशीन के पास आप सभी जाने में कई बार मर चुके होंगे, तो आप सभी को ऐसा नहीं करना है कि एक स्क्वाड के बीच में घुस जाना है। देखो मैं थोड़ा मतलब इधर रह के खेलूँगा और सामने से बंदा मारे, पूरा वॉल लगा के जाना है। वॉल तो घर लेके जाना नहीं है कि वॉल घर लेके जाएंगे कुछ मिलेगा, तो वॉल का फुल यूज़ करना है, नहीं तो ऐसे बहुत बंदे मर जाते हैं वॉल नहीं यूज़ करते। देख सकते एक स्क्वाड रश करिए मेरे पर, फिर मैं इजीली स्क्वाड को हैंडल कर देता हूँ। दोनों डाउन बंदे, मतलब स्क्वाड रश करिए, फिर भी मैं इजीली निकाल दे रहा हूँ स्क्वाड को। बस आप सभी को इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है और 2 बंदे बचे हैं अभी भी। तो आप सभी ने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने भैया इजीली निकाल लिया, मतलब मेरे इतने टीममेट मरे थे फिर भी हम लोगों ने इजीली भैया निकाल लिया है। तो आप सभी को बस इसी तरह खेलना है। देख सकते हो तो एक ही बंदा बचा है और भैया हो चुका है गाइस फाइनली। तो गाइस देखना आप सभी को मेरे को कितने का प्लस मिलेगा। चलते हैं पहले बैक करते हैं फटाक से और चलते हैं देखते हैं कितने का प्लस मिलता है। तो देख सकते हो 32 का प्लस मेरे को मिल चुका है, मैं ग्रैंड मास्टर पे हूँ फिर भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो आप सभी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप सभी वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग वीडियो में अभी तक बने हो तो दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं कभी सर एक नए वीडियो के अंदर, तब तक लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।